गुड इवनिंग एवरीवन। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम, और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था मनुष्य में परिवहन, मानव में परिवहन। और मानव में परिवहन के हमने पढ़े दो घटक होते हैं, एक होता है रक्त परिसंचरण तंत्र और एक होता है लसिका प्रणाली या लसिका तंत्र कह सकते हैं, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। हमने अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू कर लिया था और रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन मुख्य घटक हैं, रक्त, रक्त वाहिनियां और हृदय। इन तीन में से हम रक्त पढ़ चुके हैं, हृदय भी पढ़ चुके हैं कि हृदय क्या होता है, हृदय की फंक्शनिंग, हृदय कार्य कैसे करता है, ये पढ़ चुके हैं। आज हमने जो पढ़ना है वो है मनुष्य में दोहरा संचरण क्या होता है, हृदय स्पंदन क्या है, पल्स मतलब नाड़ी स्पंदन, रक्त दाब और लसिका प्रणाली। इसके अलावा जो हमारा इसमें बच गया था मतलब रक्त वाहिनियां, ठीक है। तो ये हमने आज शुरू करना है, तो शुरू करते हैं हम रक्त वाहिनियों से। देखो दो तरह की रक्त वाहिनियां होती है, पूरी बॉडी में रक्त वाहिनियों का जाल बिछा हुआ है। कुछ रक्त वाहिनियां ऐसी हैं जिनमें ऑक्सीकृत रक्त आता है, ऑक्सीकृत रक्त आएगा फेफड़ों से हृदय में आएगा, हृदय उसको पूरे शरीर में सर्कुलेट कर देगा मतलब पंप करेगा। जो रक्त वाहिनियां हृदय से रक्त को लेकर जाती हैं मतलब जो हृदय से दूर लेकर जाती हैं उनको बोलते हैं धमनी, ठीक। जो रक्त वाहिनियां हृदय तक रक्त को पहुंचाती हैं उनको बोलते हैं सिराएं, ये होती हैं धमनियां और ये होती हैं सिराएं। अब इनके बारे में पढ़ना है। धमनियां वो रक्त वाहिनियां हैं, वो ट्यूब हैं जो हृदय से रक्त को लेकर जाती हैं, और सिराएं वो रक्त वाहिनियां हैं जो हृदय तक रक्त को लेकर आती हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि जो नीचे वाला भाग होता है रक्त को यही पंप करता है, ये जो दो पार्ट हैं ये तो रक्त को रिसीव करने वाले हैं मतलब लेने वाले हैं, तो इनमें तो सिराएं आगे खुलेंगी ऊपर वाले में से, और नीचे वाले जो हैं जिनको हम बोलते हैं नीलय, नीचे वाला पार्ट क्या है नीलय, बायां नीलय दायां नीलय, दायां नीलय से एक ट्यूब निकलती है जो जाती है कहां पे, फेफड़ों में, हमने पढ़ लिया। अब ये जो ट्यूब है ये गई है हृदय से लेकर गई है, मैंने बताया जो हृदय से दूर लेकर जाती है वो होती है धमनी, इसका मतलब ये भी धमनी होगी क्योंकि ये इससे लेके गई है, ये नीचे से निकलती है ऐसे, ये भी धमनी है, और जो इसमें से लेकर जाती है वो ये है, इसका मतलब ये भी धमनी है। यहां से बहुत छोटी धमनी निकलती है उसको बोलते हैं महाधमनी, जो आगे जाके जिसकी बहुत छोटी छोटी ब्रांच हो जाती है, फैल जाती है पूरे शरीर में, कोशिकाओं को रक्त देती है। तो जो ये धमनियां होती हैं, धमनियों के ऊपर प्रेशर बहुत अधिक पड़ता है, क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल मतलब नीचे वाला जो नीला है ये तो संकुचित होगा, संकुचित होगा तो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा किसके ऊपर, धमनियों के ऊपर, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर, जो ब्लड को धक्का देंगी तो इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, इसलिए जो धमनियां होती हैं उनकी जो दीवारें होती हैं, मतलब मान लो ये धमनी है गोल, मैंने काट के दिखाया आगे से ऐसे, ये तो इसकी जो दीवार है ये बाहर वाली जो दीवार है ये वाली, ये अधिक मोटी होगी, क्यों, ताकि उस प्रेशर को झेल सके, किसके प्रेशर को, जो हार्ट पंप करेगा रक्त को उसके प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए इसकी कोशिका जो इसकी दीवारें होती हैं वो अधिक मोटी होती हैं और फ्लेक्सिबल होती है मतलब लचीली होती हैं, ताकि ये ना फटे। ये तो बात होगी किसकी, भाई धमनियों की। धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होता है, ज्यादातर धमनियों में कैसा रक्त होता है ये पहले भी बता चुका हूं मैं, ऑक्सीकृत रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। एक धमनी ऐसी है जिसमें अनऑक्सीकृत रक्त होता है, और वो ये धमनी है जो फेफड़ों में जाती है, इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, ठीक। ये तो होगी धमनियों की बात, धमनियों की जो दीवारें हैं वो अत्यधिक मोटी होती हैं और लचीली होती हैं, ताकि जो नीलय का प्रेशर है वो उसको बर्दाश्त कर सके। इनमें कोई वाल्व नहीं होती, वाल्व नहीं है। अब बात आती है इसकी सिराओं की, सिराएं वो नलियां हैं मतलब वो रक्त वाहिनियां हैं जो हृदय तक रक्त को पहुंचाती हैं। देखो यहां तक तो ये होती हैं धमनी, यहां तक आगे जो ये बन गई ब्रांचेज हो जाती है इनको बोलते हैं केशिकाएं, केशिकाएं रक्त को मतलब ऑक्सीजन
या भोजन दे देनी थी इसको कोशिकाओं को, और आगे जो ये बनती है इनको बोलते हैं सिराए। अब यहां तक हृदय का प्रेशर लगभग खत्म हो जाता है, तो यहां से रक्त वापिस हो सकता है, वापिस चला जाए, तो इसमें क्या होता है, इसमें होती है वाल्व। क्या होती है? वाल्व, मतलब सिराओं में वाल्व होती है, धमनियों में कोई वाल्व नहीं होती। धमनियों की दीवार, देखो ये बार की, अत्यधिक मोटी होती है, जबकि जो सिराएं होती हैं उनकी जो दीवार है वो पतली होती है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता। ये अंतर आ जाता है कि धमनी और सिराओं में क्या अंतर है। तो सिराओं की दीवारें पतली होती है, उनमें वाल्व होती है और उनमें अनऑक्सीकृत रक्त होता है, और धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होता है, एक धमनी को छोड़ के फुफ्फुस धमनी को। ऐसे ही सिराओं में अनऑक्सीकृत रक्त होता है एक सिरा को छोड़ के, कौन सी, जो फेफड़ों से आती है, तो इसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। ये फुफ्फुस धमनी है, ये फुफ्फुस सिरा है, तो इसमें हमेशा ऑक्सीकृत रक्त होता है, बाकी सभी सिराओं में कैसा होगा, अनऑक्सीकृत रक्त होता है। तो ये थी सिराएं और धमनियां, अंतर याद रखना है दोनों में, धमनी और सिराओं में क्या अंतर, पेपर में आता रही। उसके बाद हम पढ़ते हैं अब मनुष्य में दोहरा संचरण। दोहरा संचरण क्या, देखो हृदय का एक सिस्टम ऊपर, हृदय से एक चीज ऊपर है ये इतना सा पार्ट, और एक ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको, मतलब यहाँ नीले से रक्त गया फेफड़ों में, फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड देके ऑक्सीजन लेके वापस आया हृदय में, तो एक संचरण तो यही होगा, और एक संचरण ये होगा यहाँ हृदय से रक्त गया पूरे शरीर में, फेफड़ों को छोड़ के बाकी सारे शरीर में, वहां ऑक्सीजन देके कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापिस आ गया हृदय में। इस प्रकार हृदय में रक्त दो बार आता है, तो इसको बोलते हैं दोहरा संचरण। एक संचरण तो यही होगा, मतलब हृदय से फेफड़ों में, फिर फेफड़ों से हृदय में, दूसरा क्या होगा, फेफड़ों से पूरे शरीर में, और पूरे शरीर से फिर फेफड़ों में, तो ये एक संचरण और ये दूसरा संचरण, तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, दोहरा संचरण। मनुष्य में दोहरा संचरण होता है, क्यों, क्योंकि मनुष्य के हृदय के चार भाग होते हैं, जिनमें दो भाग होते हैं, जैसे मछलियों का जो हृदय होता है उनके सिर्फ दो भाग होते हैं, उनमें एकल संचरण होता है, मतलब एक ही बार हृदय में रक्त आता है। ये जो ऊपर वाला है, मतलब हृदय से जाएगा फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड देके वापस आ जाएगा, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो नीचे हृदय जाएगा पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेके, वहां ऑक्सीजन देके कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस आएगा, इस सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो दो सर्कुलेशन हो गए, एक हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो इसको बोलते हैं क्या, दोहरा संचरण, याद रखना। अब हम पढ़ते हैं हृदय स्पंदन, मतलब क्या, हार्ट बीट। हार्ट बीट देखो, हमारा हृदय बार बार संकुचित होता है, पहले संकुचित होता है और फैलता है, संकुचित होता है और फैलता है, क्यों, क्योंकि इसको धक्का देना है, किसको, रक्त को पंप करना है, तो पंप होने के लिए बार बार सिकुड़ेगा, उस सिकुड़ने को, जब ये सिकुड़ता है, तो मैंने बताया था यहाँ पे एक वाल्व है और यहाँ पे एक वाल्व है, ये बायां आलिंद, ये बायां नील है, ये दायां आलिंद, दायां नील है, तो इसके इसके बीच में एक वाल्व है, इसके इसके बीच में एक वाल्व है। फिर मैंने बताया था जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब ये नीचे वाला भाग सिकुड़ जाएगा, तो ये वाल्व बंद हो जाएंगी दोनों, और रक्त जाएगा इसमें से पूरे शरीर में और यहां से फेफड़ों में ऐसे जाता है। ये वाल्व बंद होगी तो हमें आवाज आती है, कैसी, एक आवाज आएगी, उसको हमने नाम दे दिया लब, ठीक। जब जब ये रिलैक्स करेगा, मतलब ये ओपन होगा, रिलैक्स करेगा, तो ऊपर से रक्त आएगा इसमें, ये भर जाएगी, ये वाल्व खुल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि इसके खुलने से जो इसने रक्त बेचा था किसमें, इसमें और इनमें, वो भी तो वापिस आ सकता है, तो उसको रोकने के लिए इनके अंदर भी क्या है, वाल्व है, इनके अंदर वाल्व होती है। तो जब ये हार्ट रिलैक्स, ये नीचे वाला भाग रिलैक्स होगा अपने आप को भरने के लिए रक्त से, तो ये जो वाल्व है ये बंद हो जाएगी, तो फिर इनके बंद होने से आवाज आती है दूसरी, जिसको हम बोलते हैं द, ठीक है भाई। जब ये कॉन्टैक्ट करेगा तो ये वाल्व बंद होगी, ये खुल जाएंगी तो आवाज आएगी, इनके बंद होने से ल। फिर जब ये रिलैक्स करेगा, जब रिलैक्स करेगा ये खुल जाएंगी, ये बंद हो जाएंगी, आवाज आएगी डब।
तो ये आवाज आएंगी दो बार बार, कौन सी, लब डब लब डब, मतलब जो दिल की धड़कन चल रही है ना, जो हमें सुनाई देती है, वो एक्चुअल में है क्या, वो वाल्व के बंद होने की साउंड है। वाल्व जब बंद होगी तो आवाज होती है, एक वो वाल्व जो इन दोनों के बीच में, दोनों इकट्ठी बंद होती हैं, तो इन दोनों के बंद होने से इकट्ठी आवाज आएगी ल। फिर जो इसमें वाल्व है महाधमनी में और फुफ्फुस धमनी में, इनकी वाल्व इकट्ठी बंद होती है, तो फिर ये आवाज आती है ढप। तो दो आवाज सुनाई देती है हमें, लब ढप, और इसको इन्हीं को बोलते हैं क्या, हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन मतलब हार्ट बीट। और ये कितनी होती है, ये होती है एक मिनट में लगभग 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है, मतलब दिल धड़कता है कितनी बार, एक मिनट में 72 टाइम्स पर मिनट ये हार्ट बीट है हमारी। नॉर्मल आदमी की बता रहा हूँ, बीमार आदमी की नहीं, बीमार आदमी में हो सकता है ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हार्ट बीट ज्यादा होती है, 72 से बहुत ज्यादा होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ये घटती जाती है। और नॉर्मल आदमी कितनी होती है, 72 टाइम्स। जिनका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होती है, ज्यादा होता है, ऐसे जीवों की हार्ट बीट और ज्यादा तेज होती है। जैसे अगर हम देखें ह्यूमिंग बर्ड बहुत मेटाबॉलिकली एक्टिव है, या श्रिव देखें, श्रिव मतलब चूहे जैसा जानवर जो होता है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बच्चों का मेटाबॉलिज्म भी बहुत तेज होता है, बहुत फास्ट होता है, मतलब वो एक्टिव होते हैं, इसलिए उनकी हार्ट बीट भी अधिक होती है, 72 से अधिक होती है। हम धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं हमारा शरीर थोड़ा स्थिर होता जाएगा, मतलब थोड़ा आलसी कह लो, और बड़े होते रहेंगे तो हार्ट बीट कम होती जाएगी। तो इसको बोलेंगे हम क्या भाई, हृदय स्पंदन। अब पल्स नाड़ी स्पंदन क्या होता है, देखो जैसे जैसे हृदय धड़कता है, जब ये संकुचन करेगा तो इसका संकुचन, इसके संकुचन का असर इसके ऊपर भी पहुंचता है, किसके ऊपर, धमनी के ऊपर। तो जैसे मान लो कोई लंबा पाइप पड़ा है और उसमें पानी है, अगर पैर उस पर मारेंगे तो एक वेव निकलेगी पानी की, दूर तक जाएगी, दूर खड़े होंगे तो वहां भी फील होगा हमें कि पानी की लहर आई है। ऐसे ही जब इसका संकुचन होगा तो एक जो दबाव है, उस दबाव की एक लहर इसके ऊपर जाएगी, किसके ऊपर, धमनी के ऊपर, यहाँ तक जाएगी, यहाँ आते आते हो सकता खत्म हो जाए, सिराओं में बिल्कुल नहीं होती। तो वो जो लहर है वो हम महसूस कर सकते हैं कहाँ पे, धमनी के ऊपर। कौन से, वैसे तो धमनियाँ हमारी स्किन के अंदर, हमारी मतलब बॉडी के इंटरनल पार्ट में होती है, लेकिन कहीं पे भी कोई धमनी अगर सुपरफिशियल है, मतलब ऊपर है, तो वहाँ पे हमें वो बीट महसूस हो सकती है, मतलब दिल के धड़कने की वो जो दिल धड़का है, मतलब उसने पंप किया है, उस वेव को हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कुछ धमनियाँ ऐसी हैं जो ऊपर दिखाई देती हैं, जैसे यहाँ गले में होती है, यहाँ पे एक, यहाँ रिस्ट पे होती है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ माथे पे भी होती है एक। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो जो दबाव है वो यहाँ महसूस होगा, यहाँ से डॉक्टर पकड़ के देखता है, तो यहाँ पे वो झटका महसूस होता है हमें बार बार, तो उसी को बोलते हैं क्या, नाड़ी स्पंदन। नाड़ी पकड़ के देखना पल्स रेट, तो पल्स रेट कितना होगा हमारा, मतलब पल्स कितनी होती है, पल्स भी उतनी ही होगी जितनी बार दिल धड़केगा, और दिल कितना धड़का, 72 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 72 बार, तो हमारा पल्स भी कितना होगा, ये भी 72 टाइम्स पर मिनट ही होगा, ये होगा भाई नाड़ी स्पंदन। अब बात करते हैं हम रक्त दाब की। रक्त दाब क्या होता है, रक्त दाब, देखो नाम में ही छिपा, रक्त दाब मतलब रक्त का दबाव। जब रक्त इनके अंदर चलता है नलियों में, रक्त वाहिनी के अंदर चलेगा, तो रक्त वाहिनी के ऊपर दबाव तो डालेगा ही, मतलब उसकी जो दीवारें हैं उनके ऊपर प्रेशर तो पड़ेगा। ये जब पाइप में पानी चलेगा तो पाइप के ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, तो रक्त जो रक्त वाहिनियों पे दबाव डालता है उसी को बोलते हैं रक्त दाब। अब दो तरह का रक्त दाब हो गया, कौन सा, एक तो भाई जब ये संकुचित करेगा, हृदय संकुचित करेगा, तो इसके ऊपर ज्यादा दबाव पड़ेगा, किसके ऊपर, धमनियों के ऊपर, तो एक तो उस समय का दबाव, और एक जब ये रिलैक्स करेगा तो इनके ऊपर कम दबाव पड़ेगा। तो जब ये संकुचन करता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, सिस्टोलिक इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, सॉरी मेरे को हिंदी में नहीं पता ये क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, बस वैसे समझा दिया मैंने क्या होता है, कि जब ये संकुचन करेगा उस समय के प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जब ये रिलैक्स करेगा, मतलब संकुचन नहीं करता, मतलब फैलता है, रिलैक्स करता है, तो
तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक, अब सिस्टोलिक प्रेशर तो ज्यादा होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये अधिक होगा तो ये कितना होता है, ये होता है 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ एचजी क्या है, ये दबाव को, वायु दाब को मापने का मात्रक होता है मिलीमीटर ऑफ एचजी, और रक्त के दबाव को भी हम इसी में मापते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर हो गया 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी और डायस्टोलिक प्रेशर हो गया 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी, ये होता है भाई डायस्टोलिक प्रेशर। तो हम इसको क्या लिखते हैं, नॉर्मल व्यक्ति के ब्लड प्रेशर को, मतलब रक्त दाब को हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 120/80 मिलीमीटर ऑफ एचजी। अगर ये लिखा तो समझ जाएंगे कि 120 क्या है सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 क्या है डायस्टोलिक प्रेशर है, इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्मल आदमी का रक्त दाब कितना होता है 80 to 120, ऐसे बोल देता, जबकि डॉक्टर को पता होता है कि 120 क्या है सिस्टोलिक है और 80 क्या है डायस्टोलिक है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है एज के हिसाब से, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो इनका जो ब्लड वेसल्स हैं इनकी दीवारें थोड़ी हार्ड हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये 120 से 125 130 तक पहुंच जाएगा, 80 से ऊपर जो लोअर प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा, जैसे 80 से 90 भी हो सकता है, तो एज के हिसाब से इसमें फर्क आता है। जो हमारा हार्ट बीट, हमें ये बताना भूल गया, जो हमारी हार्ट बीट है, जो हार्ट बीट उसको हम सुन सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप डॉक्टर यूज करते हैं ना, जो कान में लगाते हैं फिर एक इधर लगाते हैं हार्ट पे, हार्ट बीट को सुनने के लिए, उसका नाम क्या है स्टेथोस्कोप। उसके आगे एक स्पीकर, सॉरी एक सेंसर लगा होता है, मतलब जो एक एम्पलीफायर लगा होता है उसमें, वो साउंड को लेगा, मतलब हार्ट बीट को पहले रिसीव करता है फिर उसको एम्पलीफाई करके और हमें दिखाता है, मतलब सॉरी सुनाता है, उसकी साउंड हमें ज़्यादा महसूस होगी क्योंकि उसके अंदर एक एम्पलीफायर लगा होता है स्टेथोस्कोप में। ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्फाइग्मोमैनोमीटर। ये वो इंस्ट्रूमेंट है डॉक्टर रखते हैं ना, वो हवा से भरते रहते हैं या बांध के और फिर चेक करते हैं बीपी, उसका नाम क्या है स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्फाइग्मोमैनोमीटर एक वो यंत्र है जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी के लिए याद रखना कि ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर से। अब हम पढ़ते हैं क्या लसिका प्रणाली। अब देखो भाई, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट क्या, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र के तीन पार्ट हमने पढ़ लिए, रक्त, एक रक्तवाहिनी और हृदय, तीनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा आता है क्या लसिका तंत्र। लसिका तंत्र देखो, जब हार्ट ब्लड को प्रेशर करेगा, मतलब इसके इसको संकुचित होता है हार्ट, तो ये ब्लड को भेज देता है इसमें धमनी में, और धमनियों से इसमें जाएगा ये है केशिकाएं, केशिकाएं। मैं एक केशिका को उठा रहा हूं यहां से, मान लो ये केशिका है, ये केशिका और यहाँ है कोशिका, इनके बीच में आदान प्रदान होना है पदार्थों का, यहाँ है ऑक्सीजन और खाना ग्लूकोज, यहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जाना है इधर, इसको आना है इधर, ये क्या होगी कोशिका है और ये केशिका। अब ये जो केशिकाएं हैं, केशिकाओं की दीवारों में छोटे छोटे से छेद होते हैं, बहुत छोटे छेद, ठीक है। अब जब प्रेशर से ब्लड इसके अंदर आएगा केशिकाओं के अंदर, तो पहले ये जो ऑक्सीजन पहले आएगी यहां पे, यहां पे एक द्रव पदार्थ भरा होता है यहां, वो द्रव पदार्थ क्या है, वो द्रव पदार्थ कहां से आया, उसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं उस पदार्थ को, वो पदार्थ भी इसमें से ही निकल के आता है। क्यों, क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है तो उस छेद में से कुछ प्लाज्मा और कुछ कोशिकाएं, रक्त के अंदर तो प्लाज्मा है और कोशिकाएं हैं, तो कुछ प्लाज्मा और कुछ कोशिकाएं जो छोटी होती है, छोटी कौन सी होती है WBC, RBC नहीं आएगी क्योंकि RBC का साइज बड़ा होता है, तो कुछ प्लाज्मा रक्त उसका जो द्रव भाग है और
कुछ कोशिकाएं जिनमें WBC है और कुछ प्रोटीन वो निकल के इसमें आ जाएंगे। इसका क्या नाम पड़ जाएगा? इसका नाम है टिश्यू फ्लूड या कह लो उत्तक द्रव जो भरा होता है इसमें केशिका और कोशिका के बीच में भरा होता है। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन पहले इसमें आती है, इस द्रव में, फिर जाती है कोशिका में। कार्बन डाइऑक्साइड पहले कोशिका से इसमें आएगी, इस द्रव में, फिर जाएगी केशिका में। सारे ऐसे काम होता है। लगभग केशिकाओं से 20 लीटर रक्त निकलता है, मतलब सॉरी 20 लीटर द्रव इसमें से इनमें निकलता है, इन छेद में से। लेकिन 20 लीटर में से लगभग 17 लीटर वापस आ जाता है इसी के अंदर, इसी में। बाकी रह जाता है 3 लीटर। वो 3 लीटर कहाँ जाता है कि मतलब 3 लीटर की क्या कमी होगी? नहीं, 3 लीटर की कमी नहीं होती। वो जो 3 लीटर बच गया, जैसे ये जो टिश्यू फ्लूइड बना है ना, ये टिश्यू फ्लूइड में क्या है? इसमें प्लाज्मा है, WBC है और कुछ प्रोटीन है। और साथ में अगर इस कोशिका में कोई अपशिष्ट पदार्थ है वो इसने छोड़ दिया इसमें, वो भी है इसके पास। या कोई कोशिका मर गई है वो भी यहाँ पे है। अब ये टिश्यू फ्लूइड यहाँ इससे आगे कुछ दूसरी वाहिनियाँ होती हैं, इस तरह से फैली होती हैं, वो अलग होती हैं। वो ये इसको बोलते हैं लिम्फ कैपिलरीज, मतलब लिम्फ वाहिनी या लसिका वाहिनी ये है। तो ये जो द्रव पदार्थ है ये इस नली में जाएगा। अब ये कहोगे ये इसमें ही नहीं गया तो इसमें कैसे चला जाएगा? क्योंकि जो इसकी दीवारें हैं उनमें छेद थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए ये जो पदार्थ है ये इसके अंदर चला जाएगा। समझ में आया? अब ये जो नली है इसका नाम क्या है? लसिका वाहिनी। अब ये लसिका वाहिनी यहां से आगे बढ़ेगी, ऐसी ही लसिका वाहिनी दूसरी कोशिका के पास से आएगी इधर से, फिर ये जुड़ जाएंगी तो एक बड़ी लसिका वाहिनी बनेगी। बहुत सारी लसिका वाहिनी जुड़ के और आगे बढ़ेंगी, उस द्रव पदार्थ को लेके जाएंगी। और कहाँ लेके जाएंगी? वो उसको छोड़ देंगी बड़ी सी महाशिरा में, मतलब इन शिराओं में। आगे जाके यहाँ ये कहाँ मिल जाती है? ये मिल जाएगी किसी शिरा में। मान लो ये शिरा है तो ये अपने इस द्रव पदार्थ को इस शिरा में छोड़ देगी। तो ये जो सिस्टम है ना, ये वाला, ये वाहिनियाँ और इनके अंदर जो पदार्थ है, ये पदार्थ किससे बना? ये पदार्थ इसी से बना है, टिश्यू फ्लूइड से ही। जब यहाँ तक तो टिश्यू फ्लूइड कहलाता है, जब ये इसके अंदर एंटर कर जाता है इस नली में, लिम्फ वाहिनी में, तो इस टिश्यू फ्लूइड का नाम पड़ जाएगा लसिका या लिम्फ। अब ये लिम्फ बन जाएगा। तो ये लिम्फ इसमें से होता हुआ, लिम्फ वाहिनी से होता हुआ बड़ी लिम्फ वाहिनी में जाएगा, फिर उससे जाके कहाँ गिर जाएगा? ये महाशिराओं में ही मिल जाता है। सबक्लेवियन वेन होती है, एक वेन होती है सिरा, सबक्लेवियन वेन होती है यहाँ पे, उसमें जाके ये मिल जाता है, ठीक है। बीच बीच में यहाँ पे जब ये जो लसिका वाहिनी चलती है तो बीच बीच में यहाँ पे ऐसी लसिका ग्रंथि मिलती है, इसको लिम्फ नोड्स बोलते हैं उनको। वो क्या करते हैं? वो इसमें आने वाली कोई जो कोशिका, मरी हुई कोशिका है या कोई जीवाणु है इसके अंदर, उसको पकड़ लेते हैं ये लिम्फ नोड, और उसको मार के किल करके फिर जो साफ द्रव है उसको आगे भेज देते हैं। WBC यहाँ पे अधिक होती है, इसमें भरी होती है WBC जो हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो इस पदार्थ के साथ जब भी कोई एंटीजन या कोई रोगाणु आएगा तो ये WBC उसको पकड़ के और मार देगी। तो ये जो तंत्र है, ये जो बना है, इसको बोलते हैं लसिका प्रणाली। तो लसिका प्रणाली में भी वही 3 चीजें हैं जैसी रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर होती है। जैसे इसमें रक्त था तो इसमें लसिका होता है, रक्त वाहिनियां थी तो लसिका वाहिनी होती है, और हृदय, यहाँ हृदय नहीं होता। क्योंकि इसके अंदर जो रक्त चलता है वो हृदय के प्रेशर से ही चलता है। मैंने बताया द्रव पदार्थ इसमें से इसमें निकल के आएगा, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर अधिक है, वो इसमें आ जाएगा और इसमें से इसमें आ जाएगा।
तो वो किसके प्रेशर के कारण चल रहा है, वो सारा का सारा हृदय के प्रेशर के कारण ही चलता है। तो ये जो सिस्टम है लसिका प्रणाली इसको बोलते हैं। लसिका प्रणाली का हमारे शरीर में बहुत लाभ है, इसके बहुत सारे काम हैं। मुख्य रूप से जो हमारी छोटी आंत तो है उसमें से जो वसा का अवशोषण होता है, वसा का अवशोषण मुख्य रूप से लसिका द्वारा ही होता है। इसके अलावा बहुत सारी कोशिकाएं होती है इसमें WBC जो हमारे शरीर में फाइट का काम करती है, मतलब सोल्जर का काम करती है, जो बाहर से कोई रोगाणु या कीटाणु आएगा उसको मारने का ये काम करती है, और अपशिष्ट पदार्थों को भी हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। तो यह भी एक हमारे परिवहन तंत्र का भाग है। तो ये था भाई क्या लसिका प्रणाली। लसिका प्रणाली में भी तीन भाग हो गए, लसिका, लसिका वाहिनी, ठीक है, सॉरी हृदय नहीं है इसमें, नहीं है लेकिन ये चलता हृदय के कारण ही है। एक दूसरी चीज होती है इसमें एक जगह जिसको बोलते हैं लिम्फ लसिका ग्रंथि, लसिका ग्रंथि इंग्लिश में बोलेंगे लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भाई आज की वीडियो में जो था दोहरा संकरण हृदय स्पंदन लसिका प्रणाली, ठीक है। यहाँ पर मनुष्य में परिवहन खत्म हो गया, अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे मनुष्य में उत्सर्जन। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।